जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, ए सरकारा कर दिया की, ए सरकारा कर दिया की, ए सरकारा कर दिया की, साडा हक, साडा हक, साडा हक, करो सियापा। बहादुर केशट गैस जी ने दो हंजुआ ने मुड़ के किसान अंदोलन को सुरजीत करता और सैलाब लियाता पूरे हिंदुस्तान च। बिल्कुल उदा दी गल साडे उत्ते ने मीटिंग दे विच होई है। उस मीटिंग दे विच इन्होंने कुछ सानू शब्द कहे, मैं तुहानू दसूंगा कि वह की शब्द सी। और उन्हां शब्दों के नाल बिल्कुल उस तरह का असर होया जिवें राकेश टिकैत के दो हंजुआ का असर होया। साडी संस्था दे विच बाले ज़्यादा मैंबर नहीं है, पार्ट टाइम है, चाहे गैसट फैकल्टी है। जेकर किसी भी एक भी सहायक प्रोफेसर नू सरकार ने नौकरियों वांझे किया तो मेरा तुहाडे नाल वादा है कि मैं पंजाब सरकार की इट नाल इट खड़का दूँ और पंजाब के सारे 48 कॉलेजों को जिंदे लवा दूँ। इन्हें कहा कि मेरा कैडर सारे कॉलेजों के मूहरे पक्के धरने लगा दूँ। मेरे जिनी ताकत है नहीं सी, जिवें पंजाब के सारे अध्यापक एकजुट हो गए, जिहड़े माड़े मोटे गिले शिकवे सी वह भी दूर हो गए। यह सारा कुछ उगराहां जी की बदौलत है। उन्होंने सानू इन्ना जोश भरिया कि जाओ पुत्तो जाके अपना धरना लागू जारी रखो, मैं तुहाडे धरने च आऊँगा। इनू अंत ना समझो, ये शुरुआत। सरकारां नहीं हिलदियां, सरकारां नू हलाउण लई बहुत कुछ करना पैंदा है और मेरी तुहाडे नाल पूरी समर्थन है। और इन्होंने उही गल सच करके दिखाई। अज भी इन्हों का इन्ना ज़्यादा बिजी शड्यूल सीएम साहब नाल मीटिंग सी, पर सीधे साडे कोले आ रहे हैं। सानू नहीं पता इन्होंने हले खाना खाया है नहीं खाया, पर ये साडे च विराजमान ने। हौसला इन्होंने सानू दिता, यही हौसला असी अगे अपने अध्यापकों दिता। और वह अज नतीजा है कि पूरे पंजाब तो कले कले कॉलेज तो जिहड़े सारे सहायक अध्यापक इत्थे इकट्ठे होए ने, ते हुण इह साडी जित यकीनी जापदी है। असीं इन्हां नूं अपनी समस्यावां तों जाणू करवा चुके हां। जिहड़ा साडा कृष्ण कुमार है उहनूं मैं चंगी तरह जाणदा, उहने पहला स्कूल अध्यापकां दा लौं पीता, हुण तुहाडे वल आ गया। पर असीं धन्नवाद करदे हां उगराहां जी दा और उहनां नूं गुजारिश करदे हां कि उह माइक ते आउण। और साडे उन्होंने सानू कहा कि तुहानू की चाहिए सी, उत्थे दो चीज़ां मंगियां सी कि सानू सहायता दो समर्थन दो, पर अज असीं इस मंच तो एक तीजी चीज़ भी मंग रहे हैं कि सानू सेध भी दो। असीं अध्यापक हाँ, सानू धरने लाने नहीं आंदे। जिथे बी के जू ग्रहां दे प्रधान साहब मेरे बड़े ही सत्कारयोग वड्डे वीर सरदार जगेंद्र सिंह ग्रहां साहब ने भी हाजरी भरनी है, क्योंकि असी पिंडां दे भी गवांढी हाँ। मेरे पिंड जखेपण दे नाल ही ग्रहां दीआं वट्टां सांझीआं ने, ते अक्सर मैं जदों भी दिल्ली जाना ते मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं जे सिंघू बार्डर ते बोलदा ते टीकरी बार्डर ते भी जरूर जावां। तो पकौड़ा चौंक च बनी बी के जू ग्रहां एकता की मंच के उत्ते बहुत बार मैनू साढ़े किसान भरावां दे सन्मुख होण दा मान प्राप्त भी है। तो अज ये नाभे की धरती के उत्ते जो समुचे सरकारी टीचर्स ने प्रोफेसर साहबाना ने ये मुकम्मल तौर पर
अपना रोस जताउण दे लई ये धरना दिता जा रहा है। असीं भी आपदे जागदा पंजाब मिशन वालों जो गैर राजनीतिक मिशन है जिस मिशन दे जरिए असीं पंजाब दे पिंड पिंड जाके लोकां नूं जगाउण दा काम करते हैं ते पिछले 10 वर्षां दे विच जिन्हें भी साडे किसान खेत मजदूर जां हुण पिछले एक वरे दे लागे होण वाला हुण 26 नूं हो जाणा एक साल इस मोर्चे च शहादत प्राप्त करन वाले उन्हां भरावां दे बच्चियां नूं बॉर्डरां ते शहीद होए फौजी भरावां दे बच्चियां नूं असी समुचे पंजाब दे विच उन्हां नूं मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड करदे आ आपदे इस जागदा पंजाब मिशन वालों। अध्यापक एक पेशा है कहो जी संस्था है जिहड़ी देश दा बुनियाद बनदी है ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਾਨਸਿਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋੜੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਨੀ ਜਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਬੂੰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਸਰੀ ਵੱਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਹ ਸਕੂਲ ਕਿਹਦਾ ਅੱਗੂ ਵਹਾਂ ਗਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੂ ਗਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੂ ਗਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ।